और तर्क वितर्क तो रोज होता है आप लोगों से, आप जब किसी को समर्थन के बारे में बताते हो तो कुछ प्रश्न कॉमन आते हैं, वो जो कॉमन प्रश्न आते हैं उनका जवाब भी कॉमन ही है। तो हो सकता है कि यहां नए साथी हमारे हों या पुराने हों वो भूल गए हों, तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। पहला सवाल सबसे पहला आता है, हंस के लोग कहते हैं सामने वाले, और वो कहते हैं जो जानते हैं जो संगठन चलाते हैं, बिना नेता के और बिना राजनीति के कैसे? ये सवाल वो छोड़ते हैं हमारे समर्थ संगी जब बात करते हैं। बिना चंदा के कैसे? ये सवाल वो छोड़ते हैं। इकट्ठे होके क्या करोगे कैसे करोगे? ये सवाल वो छोड़ते हैं। ये वो कॉमन सवाल हैं जो लगभग सारे समर्थ संगी कभी ना कभी या रोज जब भी बात करेंगे जब भी समझाएंगे ये उनको आएंगे ही आएंगे, ये फेस होंगे होंगे। तो पहला सवाल ये है कि बिना नेता के कैसे? तो सवाल के बदले में आपको प्रति सवाल करना चाहिए, काउंटर सवाल करना चाहिए, काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि नेता से कैसे? अभी हम सवाल का जवाब बाद में देंगे कि बिना नेता के कैसे होता है, पर पहले ये बताओ कि नेता से कैसे हल हुआ, नेता से क्या हल हुआ, ये बताओ कि इतने सारे नेता हैं उनसे क्या मिला, उन नेताओं से किस नेता से आप खुश हो। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी नेता से खुश ही नहीं है और वो किसी को नेता मानता ही नहीं, और वो सारे नेताओं को कहता है ये बदमाश है, ये गुंडा है, ये चोर है, ये कामचोर है, ये पैसे लेके भाग गया, इसने बेच दिया, ये पार्टी बदल ली, ये तो निकम्मा है, इसने अपने बच्चों को दे दिया, इसने अपने परिवार को दे दिया, इसने जमीन खा ली, इसने पैसा खा लिया, इसने चंदा खा लिया, 50 बातें बता देगा आपको, फिर भी कहेगा नेता तो चाहिए। ये मानसिक गुलामी है, यानी कि वो जानता है कि पिछले 70 साल में नेता से कोई समस्या समाधान नहीं हुई है, बल्कि नेता ही समस्या है, और वो इस बात को स्वीकार भी करता है। और आप उससे पूछ लो कि कौन सा नेता अच्छा है, वो सारे नेताओं को बकेगा, सारे नेताओं को कहेगा सारे नेता खराब है, और फिर भी कहेगा कि नेता के बिना कैसे। ये ठीक ऐसा है कि जैसे कोई आदमी शराब पी रहा है और शराब पी पी के मर रहा है और शराब से उसके सारे लीवर वीवर खराब हो गए, सारे मरने वाला है, कहता है फिर भी कहता चाहिए शराब। ये मानसिक गुलामी है, ये जकड़ा हुआ दिमाग है। ये याद आना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों में कौन कौन से नेता थे, जरा बताओ। ये 70 साल को छोड़ दो, ये 70, 72, 75 साल को छोड़ दो, उससे पहले बताओ कि हमारे कौन से राजनीतिक नेता थे, कौन से नेता ऐसे थे जिनके नाम चले आ रहे हैं, जिन्होंने नेतागिरी की है और जिन्होंने नेतृत्व किया, बता दो। तो 0/0 सन्नाटा, आपको कोई भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा पिछले 70 साल 73, 75 साल को छोड़ दें कि जहां कोई नेता हमारा रहा हो। तो हो सकता है किसी संत का नाम बोल दे, हो सकता है बुद्ध का नाम बोल दे, हो सकता है किसी ऐसे क्रांतिकारी का नाम बोल दे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई वड़ाई लड़ी हो, तो वो नेता तो नहीं है। क्योंकि पुराने समय में अगर जाओगे और पुराने समय में देखोगे, पुराने अगर पन्ने पलटोगे, पाली के इतिहास में जाओगे, बुद्ध के इतिहास में जाओगे, पहले भी जाओगे, तो कहीं कोई नेता ही नहीं है। एक सांघिक प्रक्रिया है, एक संघ की प्रक्रिया है, और संघ ही संघ का नेता है, संघ ही हमारा नेता है, और उसके जो नियम है वही हमारा नेतृत्व करते हैं। और वही प्रक्रिया जो पुरानी प्रक्रिया थी, पुराना प्रोसेस था, वही डॉक्टर अंबेडकर ने सेम का सेम उठाकर उसको अंग्रेजी में बदलकर उसको सूत्रों की जगह उसमें आर्टिकल लिख के और उसको वहां लोगों द्वारा उसको अनुमोदित करा के, पूरे देश से अनुमोदित करा के उसको लागू कराया। उसको कहते हैं संविधान, समण संविधान, समणों का संविधान, सम्यक संविधान, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉमन इंस्टीट्यूशन। तो वो जो प्रक्रिया बाबा साहब अंबेडकर ने दी है, अब ये लोग क्या कहते हैं, कहते बाबा साहब ने नेतागिरी नहीं करी कहीं। अरे भाई, बाबा साहब ने अगर नेतागिरी की होती तो पहली बात तो ये कि वो हीरोशिप लिए मना क्यों करते, और दूसरी बात ये कि वो संविधान को सांघिक क्यों बनाते। पूरे देश की रचना बना रहे हैं तो क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे अपने लोगों के लिए सांघिक एक सिस्टम चाहिए? और उन्होंने सांघिक सिस्टम ही तो बनाए थे सारे सारे, कोई व्यक्तिवादी सिस्टम नहीं बनाए। उन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूट बनाए थे वो सांघिक तौर पर बनाए थे, पर लोगों ने उसको व्यक्तिवाद में बदल दिया, और जब व्यक्तिवाद नहीं चला उनका तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। क्योंकि जब व्यक्ति किसी सांघिक रचना को तोड़ता है तो वो 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में बढ़ती है, फिर उनमें कंपटीशन होता है और वहां व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। तो वो सारी बाबा साहब की जितने भी इंस्टीट्यूशन थे
आज उनका कोई ना कोई व्यक्ति मालिक है, और जो वो जब तक मर नहीं जाता जब तक मालिक रहता है, और मरने के बाद भी अपने बच्चों को स्थापित कर जाता है। सारे बाबा साहब का, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे वो समता समाज संघ तो खैर बन नहीं पाया, सपनों में रह गया, चाहे वो शुल्काश वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे वो पीपल सोसाइटी हो, आप किसी को भी उठा के देख लें, परिवारों का और व्यक्तियों का वहां झगड़ा है, कोर्टों में केस चलते हैं, ये तो वहां की बात है। और जिनका बस वहां से नहीं चला, उन्होंने अपने 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 बहुत सारे खोल लिए। इसलिए जब हम ये पूछते हैं उनसे कि बताओ नेता से उद्धार हो सकता है क्या, तो वो खुद ही कहता है नहीं, नेता तो सभी निकम्मे हैं। अरे भाई, जब सब नेता निकम्मे हैं और किसी की गारंटी नहीं है, और जो भी तुम जिसको समझते हो कि अच्छा होगा कुछ दिन बाद वो इसी को गाली बकते हो, उसी को तुम निकम्मा कहते हो, तो अच्छा नेता कहां से लाओगे और कैसे गारंटी दोगे कि अच्छा नेता है? एक व्यक्ति जो शुरू में पैदल चलता है, शुरू में कैडर लेता है, शुरू में भूखा रहता है, उसके पास मजबूरी है उसकी, उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो आता है, हमारा तो सारा सारा समाज भूखा नंगा है, तो किसी जिस भी घर से आता है वो भूखा नंगा घर ही होता है, और किसी के पास दो पैसे हो तो वो भी कोई ज्यादा बड़े नहीं है। तो वो जो आते हैं, किसी भी घर से आते हैं तो भूखे नंगे होते हैं, तो सिवाय उनके पास पैदल चलने के अलावा, साइकिल से चलने के अलावा, या भूखे रहने के अलावा, या एक साधारण कपड़ों के अलावा, और होता क्या है? पर जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं, और सत्ता में आके उनको लोग चढ़ा देते हैं और उनको पैसा भेजते हैं, तो वो फिर हीरे से और सोने चांदी से खेलने लगते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है उनसे खेलने लगते हैं, फिर उनके कपड़े बहुत रंगीन मिजाज के हो जाते हैं, फिर उनको बसें और जो रेल है वो धक्का लगती हैं, फिर वो जहाज में घूमते हैं और बढ़िया घूमते हैं, ये परिवर्तन हो जाता है उनमें, और फिर उनकी आदत पड़ जाती है, फिर वो नीचे कैडर तक नहीं आ सकते। एक उदाहरण नहीं है पूरे भारत में कि जो नेता जमीन पे बैठता था, जमीन पे खाता था, जमीन पे कैडर देता था, चारपाई पे बैठता था, और जो रूखी सूखी खाता था, जिसके पास एक जोड़ी कपड़े थे, जिसके पास में पैसे नहीं होते थे, मांग के चंदा लेकर काम करता था, वो संपन्न होने के बाद दोबारा उस बस्ती में जाके कैडर दिया हो, एक उदाहरण नहीं है। यानी कि सारे नेता बदल जाते हैं, उनकी मनोस्थिति बदल जाती है, उनकी आदत बदल जाती है, फिर वो चाह कर भी नहीं आते और कुछ बहाने बना लेते हैं, कहते अब तो बड़े नेता हो गए हो, वहां जाओगे तो मारेंगे, आपको कोई गोली ना मार दे, आपको खत्म ना कर दे, आपको कोई हमला ना कर दे, अब आप इतने बड़े नेता हो, अब बस्ती में जाओ क्या, अब चीले चपटे जाएंगे, पर वो नहीं आता। इसका मतलब नेता की किसी की गारंटी नहीं है, एक सिंगल नेता नहीं ऐसा जो रिपीट होकर बाद में आया हो। तो व्यक्ति तो ऐसे ही करते हैं भाई, व्यक्तियों का दोष नहीं है। जो एक बार बड़ी गाड़ी में और गद्दे वाली सीट पर बैठ जाएगा वो क्यों बैठेगा स्टूल पे? जो एक बार बढ़िया भोजन खाएगा वो क्यों खाएगा जब उसे अवेलेबल है मिला? इसी के लिए तो संघर्ष कर रहा है वो, और सबको जनता को नहीं मिला तो उसका क्या, उसको तो मिला। इसलिए किस व्यक्ति पे आप यकीन करोगे और वो व्यक्ति नहीं बदलेगा, उसकी गारंटी क्या है? भारत में नेता कैसे बनते हैं? भारत में जो नेता बनते हैं, पूछो उसे सवाल कि कैसे बनते हैं, तो कहेगा जी पता नहीं, यही कहेगा पता नहीं। पर आप उसे बताओ, भारत में नेता बनने की क्वालिफिकेशन है वो जेल जाना, वो जेल जाए, कहीं किसी एट्रोसिटी में जाके वो लड़े मरे और दरोगा पुलिस से भिड़े, और दरोगा पुलिस से भिड़ने के सब नाटक होते हैं। एक टग ऑफ वार होता है कि तुम इतनी रस्सी खींचना, हम इतनी रस्सी खींचेंगे, अगर रस्सी टूट गई तो मारेंगे बहुत, जेल में जाओगे पिटोगे, कोर्ट में जाओगे मुकदमे भी लगेंगे, झगड़ा होगा। इसलिए ना पुलिस चाहती है कि उधर से ईंट पत्थर बरसे, और ना ही उधर के लोग चाहते हैं कि उधर से पुलिस की गोलियां आए, पर पब्लिक को दिखाना है क्योंकि हम नेता हैं। तो सारे के सारे जितने भी नेता हैं, एक तो वो एट्रोसिटीज होने के बाद जाते हैं, वहां जाके वो जो जिसके साथ एट्रोसिटी होती है वहां फोटो कराते हैं, उसके बाद वो पुलिस से बात करते हैं, कहीं कोई प्रदर्शन भी रखते हैं, बस एक दिन का प्रदर्शन होता है, कोई फॉलो अप नहीं होता। आज तक भी जितनी एट्रोसिटीज हुई हैं उनमें कानूनी रूप से सजा भी नहीं होती है, कोई नहीं आता पलट के, कोई नहीं देखता पलट के, पर नेता का काम हो गया। तो लोगों में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत के अंदर, उस समय वो उन लोगों को नेता मानते थे जिनको अंग्रेज उठा के जेल में भर देती थी, जेल में भर दिया, जेल में वहां रोटी पानी आराम से आ रही है, वहां किताबें लिख रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, और वो नेता बन जाते थे। पब्लिक कहते थे देखो वो फलाना आदमी वो जेल में है, वो नेतागिरी, वो कर नेता। पर जो मारे गए, जो जिनके परिवार खत्म हो गए, जिन्होंने युद्ध लड़े, उनका कहीं कोई नाम नहीं है, पर जेल वालों का नाम है, जो सुरक्षित थे जेल में वो नेता बने। तो जो व्यक्ति नेता, जो व्यक्ति जेल में चला जाता है, हमारा समाज उसको आज भी नेता मानता है। किसी भी नेता की कोई बैकग्राउंड कोई चेक नहीं करता। आप पूछो उनसे,
जो लोग आपसे सवाल करें कि आप जिसको नेता मानते हो, आप बताओ कि आपने कितने नेताओं की बैकग्राउंड चेक की है, ये नेता क्या आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्या करते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोई नेता कोई रोजगार ही नहीं करता, सबका रोजगार पॉलिटिक्स है, सबका रोजगार नेतागिरी है। तो उनके घर कहाँ चलते हैं और सबके घर हैं बसे हुए, एक इक्का दुक्का को छोड़ दें तो, अगर उसका इक्का दुक्का का घर नहीं होगा तो वो ताऊ चाचा में उलझा हुआ होगा, यानी उसके और परिवार है उसको घर मानता है। तो जितने भी लोग हैं सारे के सारे, जितने भी नेता हैं अगर आप देखोगे तो उनमें कोई काम ही नहीं करता, उनके पास रोजगार का साधन ही नहीं है, वो जनता के ऊपर पलते हैं, जनता उनको पालती है तो उसको नेता मानते हैं। जो गोल गले का कुर्ता पहन लेता है और गोल गले की एक अचकन सी पहन लेता है, टोपी लगा लेता है, लोग उसको नेता मानते हैं, यानी कपड़े पहनते ही नेता हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ 256 लोग बैठे हुए हैं, एक सफेद कुर्ता पजामा छपाइए कलर वाला और जो कलर वाला वैसा हो, और एक टोपी पहनिए और एक अचकन पहनिए और कहीं भी निकल जाइए, 10 आदमी आपको मिलेंगे तो आपको 5 जरूर कह देंगे कि आओ नेताजी बैठो यहाँ, यानी कपड़ा पहनते ही नेता हो जाता है। जो ऊंचा ऊंचा भाषण देता है और खूब झूठ बोलता है और खूब लोगों को भड़काता है और खूब ऐसे भाषण देता है जिससे लोगों के मन की बात होती है, लोग उसको नेता मान लेते हैं। और कई बार तो इसलिए भी नेता मान लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है तो यही ठीक है। तो यहां जिसको नेता मानते हैं और जिसको नेता कहा गया है उसकी डेफिनेशन ही अलग है, तो उनसे पूछो कि भाई ऐसे नेता चाहिए क्या? और वो नेता तो बिकेगा ही बिकेगा, जो गरीबी से आया है, जो भुखमरी से आया है, वो तो आया इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसका तो ये रोजगार है, उसका तो ये बिजनेस है। तो जब नेता की बात आपसे कहें तो आप कहना कि भाई इसलिए संघों के अंदर नेता नहीं होते क्योंकि पहले भी कभी नेता नहीं हुए, और बाबा साहब ने साफ मना किया हुआ है, और बुद्ध ने तो अपना परिवार ही खत्म कर दिया, उन्होंने कोई नेतृत्व की बात ही खत्म कर दी, संघ को ही सबसे बड़ा माना और संघ को ही नमामी की है, संघ को ही नमन किया है, उन्होंने किसी व्यक्ति को नमन नहीं किया, उन्होंने किसी व्यक्ति को हाथ जोड़ के नहीं कहा कि व्यक्ति सर्वोपरि होता है, उन्होंने संघ को सर्वोपरि माना है। इसलिए बिना नेता के काम संविधान में चल सकता है, देश का चल सकता है, तो हम तो देश से छोटे ही हैं, हम तो संविधान से छोटे ही हैं, भाई हमारा काम क्यों नहीं चलेगा और चल रहा है, इसका वो जवाब दे नहीं पाए।